सो हे गाइस, हमको फाइनली कर्सर का एक फ्री अल्टरनेटिव मिल चुका है जो कि है गूगल एंटी ग्रेविटी। गूगल ने अपना न्यू एआई कोड एडिटर लॉन्च कर दिया है एंड इसका नाम रखा है एंटी ग्रेविटी। एंड आप इसके प्राइसिंग सेक्शन में जाके ये कंफर्म भी कर सकते हो कि ये अभी के लिए बिल्कुल ही फ्री है। एंड इसमें आपको जेमिनाई 3 प्रो, क्लॉड सोनेट जैसे मॉडल्स बिल्कुल ही फ्री में यूज करने के लिए मिल रहे हैं। प्लस इसमें अभी के लिए अनलिमिटेड टैब कंप्लीशंस मिल रहे हैं एंड अनलिमिटेड कमांड रिक्वेस्ट भी मिल रही हैं विथ जेनरस रेट लिमिट्स। एंड आपको पता ही है कि जो कर्सर का प्लान है वो $20 पर मंथ का आता है। तो अभी के लिए आप जब तक एंटी ग्रेविटी फ्री है तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको गूगल का एंटी ग्रेविटी कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है एंड थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे कि आप अपना वर्क फ्लो बिल्कुल ही अच्छे से बना सकते हो एंड आपकी कोडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। गूगल एंटी ग्रेविटी कुछ कुछ यूनिक फीचर्स भी हमको ऑफर कर रहा है जो कि कर्सर में नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे एंटी ग्रेविटी सर्च करना है या फिर जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आप कोई भी डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर टॉप राइट कॉर्नर पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड आप देख सकते हो ये macOS, विंडोज एंड लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो गाइस, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी। मैं यहाँ पर एक फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो आपको लेफ्ट साइड में जैसे कि VS कोड में होता है वैसे ही आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा एंड आपको राइट साइड में यहाँ पर AI एजेंट मिल जाएगा जो कि जेमिनाई से पावर्ड है एंड इसमें क्लॉड सोनेट भी है एंड ऑल्सो GPT भी है इसमें एंड आपको बीच में यहाँ पर फाइल्स दिखेंगी। आपको यहाँ पर एजेंट मैनेजर भी मिल जाता है जो कि एक अलग टैब में खुलता है। आप देख सकते हो ये एक अलग टैब में खुला हुआ है एंड अब आप सोच रहे होगे कि जो ये एजेंट ऑलरेडी हमारे पास होम स्क्रीन पे था उसमें और ये एजेंट मैनेजर में क्या डिफरेंस है। तो है ये सेम ही चीज, बट जो आपके मेन टास्क होंगे जो कि कोड से रिलेटेड होंगे वो आपको इस राइट वाले पे करने एंड ये राइट वाला जो है वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको एंटी ग्रेविटी वाले में टैब में आपको यहाँ पर जितने भी टास्क चल रहे होंगे सारे दिखेंगे। मैं अगर अपने प्रीवियस टास्क डिलीट कर दूं यहाँ से एंड गाइस, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस है, सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पर जितने भी टास्क चल रहे होंगे वो दिखेंगे। तो एजेंट मैनेजर करता क्या है कि मान लो आपका एक टास्क जो कोडिंग वाला है वो यहाँ पर चल रहा है राइट साइड में, बट आपको कोई और टास्क पैरेलली करना है तो आप एजेंट मैनेजर में जाके यहाँ पर एक और टास्क को परफॉर्म कर सकते हो एंड इस टास्क का इससे इस राइट वाले टास्क से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपको दोनों टास्क इस एंटी ग्रेविटी टैब में मिल जाएंगे। आप दोनों की प्रोग्रेस देख सकते हो एंड क्या चल रहा है सारा सब कुछ देख सकते हो एंड आपको इनबॉक्स में सारी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगी कि कहाँ अप्रूव करना है या फिर जो भी चीजें हैं सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपका ब्राउजर प्रीव्यू का। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गूगल एंटी ग्रेविटी है वो हमारे क्रोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है एंड ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है या आपके ब्राउजर में जो भी चल रहा है वो सब देखकर बग फिक्स कर सकता है। फ्रंट एंड के बग्स, बैक एंड के बग्स, ये सब कुछ एक साथ फिक्स कर सकता है। ऑल्सो इसके पास ये भी एबिलिटी है कि ये जो क्रोम की विंडो है उसको रिसाइज करके हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकता है। तो गाइज, इसके लिए आपको इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी क्योंकि इसके लिए एक एक्सटेंशन चाहिए होती है एंड आपको ये सर्च करने पे भी नहीं मिलेगी। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस लिंक पे जाना है आपको एंड आपको एड टू क्रोम कर लेना है, इससे आपके ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको ये ब्राउजर क्लोज कर देना है। तो गाइज, इसको यूज करने के लिए मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। हम आज एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि है इमेज कन्वर्टर एंड आपको इस फोल्डर के अंदर जाकर एंटी ग्रेविटी को खोलना है। तो आप लिख सकते हो AGY एंड उस फोल्डर का नाम, इससे आपकी एक विंडो खुल जाएगी उसी फोल्डर के अंदर वो भी एंटी ग्रेविटी में। तो मैं दूसरी विंडो यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस विंडो में कोड करूंगा तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर दो मोड मिलते हैं आपको, सबसे पहले प्लानिंग एंड फास्ट। प्लानिंग में क्या होगा, पूरा डिटेल में जाएगा एंड कुछ करेगा एंड थोड़ा स्लो होता है ये। एंड फास्ट में क्या है कि छोटे मोटे जो टास्क होते हैं वो ये बहुत ही जल्दी कर देगा एंड इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा नहीं है। तो ये सिर्फ सिंपल टास्क के लिए है। देन यहाँ पर आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जेमिनाई 3 प्रो लो यूज करूंगा एंड आप यहाँ पर इसको कोई भी इमेज या फिर कोई भी फाइल का मेंशन दे सकते हो। तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको नीचे एंटी ग्रेविटी सेटिंग्स भी मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर है ऑटो एग्जीक्यूशन, इसको मैंने टर्बो कर रखा है। आप इसको ऑटो भी कर सकते हो एंड ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ में क्या होगा कि ये कुछ भी ऑटो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोई भी कमांड्स जो कि टर्मिनल में होती है एंड मैं इसको यहाँ पर टर्बो पे रखता हूँ ताकि सब कुछ ऑटोमेटेड रहे। देन यहाँ पर रिव्यू पॉलिसी, इसे मैंने ऑलवेज प्रोसीड कर रखा है ताकि ये सीमलेसली सब कुछ अपने आप ही करे। आप इसमें अपनी पसंद का
कोई भी चूज कर सकते हो एंड बाकी सब आप सेटिंग एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। एंड गाइज इसमें नैनो बनाना जो कि गूगल का एक इमेज जनरेटर है उसका भी एक्सेस है। तो मैंने इसको पहले बोला है कि मुझे सबसे पहले एग्जाम्पल इमेजेस ऑफ द यूआई दिखाना, उसके बाद उस स्टाइल्स में से मैं एक सिलेक्ट करूंगा, देन फिर कोड करना स्टार्ट करना। तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एंड देखते हैं कैसी वेबसाइट रेडी करके देता है हमको। एंड गाइज यहाँ पर ये प्लान बना देगा, उस प्लान के अंदर आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो, आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड डाउनलोड फंक्शनैलिटी को कमेंट करके ये बोलूंगा कि ऐड डाउनलोड zip also for multiple files, यहाँ पर मैं ऐड कमेंट में क्लिक कर दूंगा। उससे क्या होगा कि ये यहाँ पर एक कमेंट मेरा ऐड कर देगा। ऐसे करके आप कितने भी कमेंट ऐड कर सकते हो। एंड मैंने इसको यहाँ पर बोला है पहले प्रॉम्प्ट में कि सबसे पहले ये मेरे को इमेजेस बना के देगा यूआई स्टाइल्स की, एंड मैं उसमें से चूज करूंगा कि मुझे कौन सा स्टाइल पसंद आ रहा है। एंड ये अपने गूगल नैनो बनाना का यूज करके हमें उस स्टाइल की इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। एंड आप देख सकते हो ये इमेज जनरेशन कर रहा है यहाँ पर। तो गाइस इसने मेरे को यहाँ पर 3 इमेजेस बना के दिए, एक है साइबर पंक, एक है ग्लास मॉर्फिज्म एंड एक है मिनिमल। तो मैंने यहाँ पर ग्लास मॉर्फिज्म को चूज कर लिया है। चूज करने के लिए आपको यहाँ पर ग्लास मॉर्फिज्म लिखना है एंड एंटर प्रेस कर देना है, एंड ये आपका कोड करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस देखते हैं ये कैसी वेबसाइट बना के हमको अभी प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पर कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर नीचे आप पूरी फाइल को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर राइट साइड में आपको एक्सेप्ट ऑल का बटन मिलेगा, इससे आप पूरे कोड को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं पूरे कोड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। एंड अब मैं इसको बोलता हूँ प्रीव्यू एंड टेस्ट द वेबसाइट। एंड गाइस इसका मल्टी फाइल सपोर्ट जो कि है रह गया था, तो इसने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करता हूँ रन द वेबसाइट, देखते हैं क्या करता है अब। एंड गाइस इसने हमारी वेबसाइट को रन कर दिया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर इसने प्रीव्यूइंग द वेबसाइट लिखा हुआ है। तो गाइस इसने सारा कोड तो कर दिया है, अब मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूँ। तो एज ये बहुत ही छोटा काम है इस वेबसाइट को रन करना, तो मैं फास्ट यूज कर रहा हूँ रन द इंडेक्स। एंड अगर आपको कोई फाइल सेलेक्ट करनी है तो आप @ एंड कुछ लेटर्स लिखोगे उसके, तो आपको सजेशंस मिल जाएंगी फाइल्स की एंड आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया एंड मैं इसको कमांड दे रहा हूँ एंड अब ये इस वेबसाइट को रन कर देगा हमारे ब्राउजर पे। एंड आप इसने यहाँ पर पाइथन 3 सर्वर बना दिया है 8080 पे एंड ये अब हमारा ब्राउजर खोलने का ट्राई कर रहा है। लेट्स सी कि ये हमारा ब्राउजर खोल पाता है या नहीं। एंड गाइस जो ये फीचर है हमारा ओपन ब्राउजर वाला, ये हमारा अभी काफी बगी है क्योंकि ये अभी बीटा में है, तो कभी कभी ये काम करता है नहीं। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो ये कोई भी और एक रिक्वेस्ट नहीं लेगा। तो आपको यहाँ से न्यू चैट स्टार्ट करनी होगी, देन आपको न्यू कमांड्स ये रन करने देगा। तो आप देख सकते हो ये ओपन नहीं कर पा रहा है इसको। तो चलो मैं मैन्युअली चले जाता हूँ फिलहाल के लिए। एंड आप देख सकते हो इसने वेबसाइट को रेडी कर दिया है, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेबपी इमेज सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं अगर जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा एंड इसने ये मेरी इमेज कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइस टूल तो बिल्कुल मस्त काम कर रहा है, बट इसमें थोड़े बहुत फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पर अब क्लोज नहीं कर सकता इसको, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को यहाँ पर रिफ्रेश ही करना होगा। एंड यहाँ पर मल्टी फाइल सपोर्ट भी नहीं है जो कि इसने ऐड किया था एंड ये ब्राउजर भी अभी तक खोल नहीं पाया है। तो गाइस थोड़े बहुत बग आपको मिलेंगे, बट एटलीस्ट आप इसको फ्री में अभी फिलहाल के लिए यूज कर सकते हो बग फिक्सेस के लिए या फिर कोई भी नई वेबसाइट बनाने के लिए। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड ऐसा ही आप कंटेंट देखना चाहते हो कि AI के थ्रू कैसे कोडिंग हम इजी बना सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।